नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए रुक करते हैं 15 शहरों और उनकी खास खबरों की ओर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही इसका असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के आह्वान पर भोपाल सहित प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 4 दिन के सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। 12 से 15 जून तक राजस्व अधिकारी काम नहीं करेंगे। इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में भोपाल के रहने वाली स्मृति पिता किशोर कुमार लाहरपुरे ने एनेस्थीसिया का हाईडोज इंजेक्ट करके आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से लगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में गर्भवती बाघिन का शव 2 पेड़ों के बीच फंसा मिला। बताया जा रहा है कि एसटीआर के बागरातवा रेंज के अंतर्गत परसापानी गांव के पास जंगल में 1 दिन पुराना शव बरामद हुआ है। सोमवार को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन विधानसभा की ओर से उपराज्यपाल के माध्यम से उक्त प्रस्ताव को केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के पास पहुंचाया जाएगा। मंगलवार को महाराष्ट्र के भिवंडी की अदालत पेश होने के लिए मुंबई पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। आरएसएस के विरोध में कथित टिप्पणियों को लेकर राहुल के खिलाफ मानहानि के प्रकरण में मजिस्ट्रेट अदालत में उनकी पेशी होनी है। राजस्थान में अभी भी गर्मी जारी है। 2 दिनों की बारिश के बाद एक बार पारे में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। जयपुर में बीती रात पारा 30 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं जैसलमेर में 27.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। सबसे गर्म रात बीकानेर की रही। 20 साल पहले के एक मामले में कोटा एसीबी कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोटा में टीटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आरपी शर्मा व उनकी पत्नी मोहिनी शर्मा को 7 साल के लिए जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र 90 वर्ष से ज्यादा है। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा में पानी की कमी और घाटों पर काई जमने के कारण नहाने के दौरान कोटी तीर्थ घाट पर पैर फिसलने से नगरा नगर निवासी प्रिंस पिता यशवंत चौरसिया गहरे पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए उसकी मां नदी में कूद गई। बताया जा रहा है कि प्रिंस की मां को तैरना नहीं आता है। फिलहाल दोनों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया है। पॉन साइट के जरिए फर्जी वीडियो तैयार कर पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत का चेहरा लगाने के चर्चित मामले में कई अन्य प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है उनका कनेक्शन मुंबई से है। सीबीआई ने इस नए क्लू की पुष्टि के लिए जांच शुरू कर दी है। गुजरात राज्य के बड़ोदरा जिले में एक गांव के डॉक्टर प्रतीक जोशी द्वारा ट्रीटमेंट की आड़ में महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने की घटना में नंदेसरी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उप सरपंच सहित 2 लोगों को अरेस्ट किया है। दूसरी ओर क्लिनिक महिलाओं के वस्त्रों को भी बरामद किया गया है। विगत दिनों लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका को कई बार अपमानित करने व उसे नीचा दिखाने को लेकर आलोचना की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर भानपुरी के पास गत दिवस कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे का शिकार हुए डॉक्टर सुनील दास और उनकी पत्नी रेणुका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में डॉक्टर की पत्नी की बहन, उसका भाई और सास बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। कनेक्ट इंडिया कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अब जगदलपुर व झारसुगंडा के रास्ते कई अन्य मार्गों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में झारखंड, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए उड़ानें आरंभ की जा रही है। विदिशा के रहने वाले 2 बच्चों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बुखार के कारण भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। बच्चों की मौत जापानी बुखार से होना बताई गई है। स्वास्थ्य संचालनालय के अधिकारियों के मुताबिक बुखार होने पर दोनों को अस्पताल लाया गया था। इस घटना से विदिशा शहर में जापानी बुखार का भय व्याप्त हो गया है। नई दिल्ली के द्वारका इलाके में नई शर्ट सिलने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस फायरिंग में शमीम और दुकान के बाहर खड़े दानिश को गोली लगी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।